में शरीर ठहराते हो, उन सब मैं उन सब से बेजार हूँ। इन्नी वज्जह तो वज्जह लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल-अर्ध हनीफ़ा वमा अना मिनल मुश्रिकीन। मैंने तो यत्सु होकर अपना रुख उस हस्ती की तरफ कर लिया जिसने जमीन और आसमानों को पैदा किया है, और मैं हरगिज़ शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। मसायब के पहाड़, इस ऐलान के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। बाप ने कहा मैं आप कर दूंगा और घर से निकाल बाहर करूंगा, और हमने कहा हम में से कोई तुम्हें पनाह ना देगा। हुकूमत दीन के पीछे पड़ गई, बादशाह के सामने मुकदमा पेश हुआ, मगर वो यक्का और तन्हा इंसान सबके मुकाबले में सच्चाई की खातिर डट कर खड़ा हो गया। बाप को अदब से जवाब दिया कि जो इल्म मेरे पास है वो तुम्हें नहीं मिला, इसलिए बजाय इसके कि मैं तुम्हारी पैरवी करूँ, तुम्हें मेरी पैरवी करनी चाहिए। कौम के धमकियों के जवाब में इसके बुतों को अपने हाथ से तोड़कर साबित कर दिया कि जिन्हें तुम पूछते हो वो खुद किस कदर बेबस है। बादशाह के भरे दरबार में जाकर साफ कह दिया कि तू मेरा रब नहीं है, बल्कि वो है जिसके हाथ में मेरी और तेरी जिंदगी और मौत है, और जिसके कानून की बंदिश में सूरज तक जकड़ा हुआ है। आखिर शाही दरबार में फैसला हुआ कि इस शख्स को जिंदा जला डाला जाए, मगर वो पहाड़ से ज्यादा मजबूत दिल रखने वाला इंसान जो खुदाए वाहिद पर ही मान ला चुका था, इस हौलनाक सजा को भुगतने के लिए भी तैयार हो गया। फिर जब अल्लाह ने अपने कुदरत से इसको आग में जलने से बचा लिया